स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू भाई साहब, वेलकम जी, आप आए हैं टाइम निकाल के। ये भाई साहब आए हैं जी मुक्तसर साहिब में, माघी का मेला चल रहा है 2023 का जी, जी, और यहाँ पे बहुत अच्छा घोड़ियों का मेला है और साथ में एक शो भी हो रहा है जी, जी, तो जो भाई ने दिखाया होगा आपको, हाँ, आपने पहले भी देखा होगा जी, तो अच्छी बड़ी मार्केट रहती है ये पंजाब की जी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो पंजाब है ना, ये पंजाब बहुत ही ऑथेंटिक पंजाब है। यहाँ पर मैं आया तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई 2 दिन पहले, तो इन्होंने मुझे यहाँ से खाना खाए बगैर जाने नहीं दिया। ये यहाँ की मोहब्बत है, यहाँ का कल्चर है, जो पंजाब में आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी टेंट, कोई भी स्टोरी के बाद, तो आपको खाना पीना सबसे पहला पूछा जाएगा, फिर वो आपकी पहचान हो या ना हो। बिल्कुल जी, जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्या मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना है? मुक्तसर की जो हिस्ट्री है बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। जो मुक्तसर की हिस्ट्री है ना भाई, यहाँ पे ना जो हमारे सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी है ना, तो उस टाइम में जो मुक्तसर का नाम था उसका नाम था खदराना, खदराने की डाब जी, उनको बोला गया था। तो उनके साथ जैसे लाई के सोल्जर उनके, तो सोल्जर किसी बात से खफा हो गए थे, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं रिजाइन देना। अच्छा, रिजाइन देना, हाँ। तो उन्होंने फौज में से जो गुरुजी थे हमारे, उनको रिजाइन कर दिया था, उसको बदावा बोलते हैं, कि उन्होंने बदावा लिख के दे दिया था कि हम आपकी फौज में फ्री में काम नहीं करेंगे, हमें पैसे चाहिए, पे चाहिए जी। तो वो जब भी ये काम करके अपने घरों पे लौटे, तो उनके घरों पे जो स्त्रियां थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप चूड़ियां पहन लो, कि जो हमारे गुरु है कि वो पूरी कौम के लिए लड़ रहे हैं जी। क्योंकि वो टाइम पहले जब भी वो ना काम शुरू हुआ था, वो ऐसा काम था कि पहले जो हिंदू लोग थे, हाँ, उनके जनेऊ उतार के है ना साड़ने शुरू किए थे, कुछ मुगल बादशाह थे, तो उन्होंने उनके जनेऊ उतार उतार के ना वो साड़ रहे थे। तो उस टाइम क्या है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, तो उनके जो फादर साहब थे गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने अपनी बलि दी थी दिल्ली में, अपना शीश अलग करवाया था जी। तो उस टाइम की ये ना परंपरा चली आ रही है। तो वो लड़ाई बाद में मुगलों से, जैसे कि है कि बुराई के लिए वो लड़ रहे थे कि जो बुराई है वो खत्म हो जाए जी, जी, जी। तो वो जो 40 सोल्जर थे, तो वो यहाँ पे खदराने की डाब में, जिसे श्री मुक्तसर साहिब बोला जाता है जी, जी। तो यहाँ पे आके उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जी। और वो युद्ध में जितने 40 सोल्जर थे वो शहीद हो गए जी। तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने क्या रखा, तो जब भी वो कुछ जो सोल्जर थे वो खत्म हो रहे थे, तो गुरुजी ने उनको बोला, पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि जो हमने आप अपना वो जो बदावा लिख के दिया है जी, जिसको रिजाइन बोलते हैं, रिजाइन लिख के दिया है कि आप हमारा वो फाड़ दो और हमें मुक्ति दो जी। तो उस टाइम गुरुजी ने उनको माफ करके अपने सीने से लगाया और उनका जो वो बदावा था, जो उनका जो रिजाइन लेटर था, वो फाड़ दिया जी। तो उस टाइम से ये श्री मुक्तसर साहिब की याद जुड़ी हुई है। तो वो वाला जो टाइम था वो वैसाखी के टाइम पे आता है, जैसे मान के चलिए अप्रैल में, अप्रैल, हाँ, अप्रैल में 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार होता है जी। तो उस दिन के लिए जुड़ा हुआ है। तो उसी याद को आगे रखती हुई है कि इन दिनों में ये मेला लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया से जो लोग हैं वो अपने घोड़े लेके आते हैं जी, जी, जी। तो वैसे जो लोग हैं पंजाब के हैं वो यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, वहाँ पे भी श्रद्धा से वहाँ पे जाके है ना मत्था टेकते हैं, जैसे बोलते हैं ना जी, जी। तो वही परंपरा चल रही है, वही परंपरा। ठीक है, आप कितने घोड़े रखते हैं? अब आएंगे हम घोड़ों की तरफ, तो हाँ। कितने घोड़े रखते हैं आप? घोड़े भाई ऐसा है कि ऑलमोस्ट मेरे पास 25 से 30 जानवर तो ब्रदर रहते ही हैं हमेशा। हाँ, हमेशा है, कुछ घर पे रहते हैं जी, तो कुछ ऐसा है कि बिजनेस पर्पस से भी कुछ मैं ले आता हूँ, कुछ बेच देता हूँ जी। तो 25-30 एनिमल्स रहते रहते हैं अभी। हाँ, मंडी में मैं मान के चलिए लेके आया हूँ 13-14 जानवर तो आ गए हैं जी। बाकी थोड़ा वेदर नहीं ठीक है, आप देख रहे हैं खुला नहीं है, तो कुछ एनिमल्स मैं लेके नहीं आ पा रहा। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पर आना चाहता है वो ठंडी का जो बंदोबस्त है पूरा करके आना चाहिए उन्होंने? हाँ नहीं, बिल्कुल भाई, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, ये तो बात का थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए भाई, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आदमी बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपना ध्यान रखें, लेकिन एक चीज अच्छी भी है कि वो आए, क्योंकि नए लोगों से मिलेंगे भाई यहाँ पे आके, है ना, तो नए एनिमल्स देखेंगे, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है भाई।
ठीक है, तो एनिमल्स में अब जो घोड़े हैं, हाँ जी भाई, तो किस ने ये व्यापार करना चाहिए घोड़ों का, क्योंकि ये बहुत ही टफ काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। नहीं ब्रदर, ऐसा है कि आज के टाइम पे जो स्ट्रगल वाली लाइफ है उसमें हर काम ही टफ है। जी जी जी। तो लेकिन ऐसा है कि जो लोग रिस्क लेते हैं है ना, तो वो ही आगे जाके कामयाब होते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो घोड़ों का काम ऐसा है कि बिजनेस है कि आप घोड़ा खरीदते हैं ना, तो आप इनकी सेवा करते हैं, आप इनकी केयर करते हैं, तो भगवान किसी न किसी ओर से आपको देता रहता है। मेरा ये मानना है कि घोड़ा और बेटी, घोड़ा और बेटी भगवान हर आदमी को नहीं देता। बिल्कुल, क्योंकि जो आदमी संपूर्ण होता है, जो आदमी पवित्र होता है, मैं मानता हूँ कि बेटी और घोड़ा उसी के घर पे आता है, कि हर आदमी के घर पे नहीं आता। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल। तो जो नए लोग हैं, जो ये व्यापार में आना चाहते हैं या जो शौक करना चाहता है, उन्होंने किस से शुरुआत करनी चाहिए, घोड़े से, घोड़ी से, या बछेरे से, या बछेरी से? भाई ऐसा है कि जो नए लोग हैं, वैसे तो जो तो है मिडिल क्लास लोग हैं, मैं मानता हूँ कि मेरी तरह हैं जी, कि जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं ना, तो वो तो ट्राई करें कि वो सिर्फ एक घोड़ी लें, घोड़ी, जहाँ जिन्होंने एक दो एनिमल्स लेने हैं जी जी, वो घोड़ी लें, और घोड़ी ट्राई भी ऐसा करें कि कोई प्रेग्नेंट घोड़ी लें। जी जी जी। उससे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटों के बच्चों के बारे में अभी तक हमें भी कई बार भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि बच्चा कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। नया आदमी बच्चा ले लेता है, एक तो बच्चे को मान के चलिए आप घर पे उसी जो बच्ची लेते हैं, फीमेल लेते हैं, उससे आगे बच्चा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए 4 से 5 साल। 4 से 5 साल, हाँ। तो 4-5 साल के बाद आपने जो पैसा लगा रहे हैं, पहले 4-5 साल पैसे लगाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें से क्या लौट के आया। बिल्कुल। आप प्रेग्नेंट एक घोड़ी ले लेते हैं तो उससे क्या है कि 1 साल के बाद आपको कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा जी, क्योंकि वो जो घोड़ी है, घोड़ी आपके घर पे बच्चा देगी, तो बच्चा देगी या बच्ची देगी है ना, जी, वो जी। आगे बिकने के लिए मार्केट में रेडी हो जाता है जी, जी, जी। तो वो आपको बेनिफिट आ जाएगा, जो आपका शौक है वो खत्म नहीं होगा, आपका जो शौक है वो कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा। चलता रहे। तो ये घोड़ी है आपके पास? हाँ जी भाई, हाँ जी। ये क्या एज है इसकी? एज ये भाई 4 दांत अभी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। ओके। ये एक रंग काली घोड़ी है, तो अच्छा। इसका नाम हमने रॉकेट रखा है। रॉकेट, हाँ। और ये सूर्यवंश घोड़े से प्रेग्नेंट है, 62+ हाइट है, और ये घोड़ी बहुत जल्द आपको, जैसे कि टाइम तो लग सकता है, हो सकता है कि 1 साल के बाद लोग इसको टीवी पे, फिल्म स्क्रीन पे है ना, जी, जी, जी। जो फिल्म इंडस्ट्री में घूमने वाले हैं वो देखेंगे, क्योंकि अभी भी ये घोड़ी है, ये एक फिल्म का शूट कर रही है, एक कंपनी है रिदम वॉयस, अच्छा, वो एक फिल्म शूट कर रहे हैं मॉड, अच्छा, पंजाबी फिल्म है जिसमें अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे सिंगर भी हैं, एमी विर्क जी हैं, जी जी जी, देव खरौट जी हैं, तो कुलजिंदर सिद्धू जी हैं, तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनमें जी। तो उनमें जो मेन लीड पे रोल कर रहे हैं वो एमी विर्क जी कर रहे हैं, अच्छा। तो उन्होंने पूरी फिल्म में इसी घोड़ी को यूज किया है, तो इसी पे राइड की है, और इसी घोड़ी का मेन जो फोटो है भाई, वो आगे पोस्टर पे रिलीज होंगे, जितने भी वो फिल्म के पोस्टर है वो बन के आगे होंगे, तो वो इसी घोड़ी के रिलीज होंगे भाई जी। तो अगर कोई घोड़ा या घोड़ी खरीदना चाहता है तो उसने क्या चीज को ध्यान में रखना चाहिए इस घोड़ों के बारे में या घोड़ी के बारे में, क्या देख कर लेना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई वो घोड़ियों को आके, ऐसा जो नए आदमी है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मार्केट में आए तो पहले तो विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से मिले। कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि बुरे हों, लेकिन सभी लोग बुरे नहीं होते, बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कुछ लोग अच्छा सजेस्ट करने वाले भी होते हैं ना, तो वो कंपेयर करके और जानवर ऐसा लें जो उनको दिल को अच्छा लग रहा है जी। और एक जो घोड़ा पालक हैं, जो नए पशु पालक हैं, जो लेना चाहते हैं घोड़ा, तो वो एक बात का खास ध्यान दें कि लोगों की बातों में ना आए जी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप खुद काम नहीं करना चाहते, वो डीमोटिवेट बहुत करते हैं जी, जी, जी। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नए है घोड़ा पालक हैं, कि वो लोगों की बातें सुनकर तो घोड़े की केयर कम कर देते हैं, तो घोड़ा तो लॉस देगा ही देगा भाई। बिल्कुल। तो आप लोगों की बात मत सुनिए, कोई भी आप घोड़ा लेते हैं उसकी आप अच्छे से केयर करोगे है ना जी, तो अच्छे से ध्यान दोगे तो कभी भी ये नहीं होगा कि घोड़ा आपको लॉस देगा, आप सदा बेनिफिट में रहोगे। ठीक है। और घोड़ा आप वो लीजिए जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है जी,
मैं मानता हूँ कि आप मेरे पास भी आते हैं कि मैं घोड़े के बारे में मैं प्लस पॉइंट तो बताऊंगा, लेकिन आप वो चीज लीजिए जिसके आपको ये लगे कि मैं इसके साथ खुश रह सकता हूँ, चाहे पूरी दुनिया इसको बुरा बोले लेकिन मैं इसको देख के खुश हो जाता हूँ, है ना। वो ऐसा जानवर ले और वो जानवर उनको कभी भी लॉस नहीं देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, हाँ जी, क्या जो नए लोग हैं उन्होंने लाइन के घोड़ों में हाथ डालना चाहिए या नहीं? मैं मानता हूँ कि भाई नहीं डालना चाहिए। ऐसा है कि चलो लाइन का होता है कि जानवर कुछ है, हमारे पास भी सभी लाइन के ही हैं अभी, लेकिन जो नए लोग हैं ना कि वो जब भी लाइन की डिमांड करते हैं तो उस टाइम में ये जो मार्केट है कि मार्केट में बहुत से जो लोग हैं वो शातर दिमाग भी बैठे हुए हैं जी, तो उस टाइम उनका बड़ा लॉस होगा भाई। बिल्कुल उनका बड़ा लॉस होगा भाई उस टाइम। तो कारण क्या है कि जब वो लाइन का मांगेंगे, मैंने वही बताया है कि आप अच्छी घोड़ी लें, अच्छी घोड़ी से अच्छा आप घोड़ा भी छड़वाएं तो वो जो नॉर्मल घोड़ी हो सकता है वो भी बहुत अच्छा बच्चा पैदा कर दे, अच्छा रिजल्ट। हाँ, और ये कई बार ये भी होता है कि कुछ घोड़ियां है कि अननोन का मतलब ये नहीं होता है कि उसके कोई माँ बाप ही नहीं है। बिल्कुल माँ बाप तो है ही ना उनके कोई, लेकिन वो किसी भीड़ में खो गए हैं, किसी को पता नहीं जी, है जी। लाइन तो उनकी भी होती है जिनको लोग अननोन बोलते हैं। मैं मान के चलिए कोई मेरे पास जानवर है तो मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई अननोन है। अननोन का मतलब क्या है कि मेरे को इसकी लाइन का पता नहीं है, लेकिन पैदा तो वो जो घोड़ी होगी वो किसी घोड़ी के पेट से हुई है ना, कि वो अच्छी बनी है तो वो किसी अच्छे घोड़े की भी होगी। बिल्कुल तो लेकिन मेरे को वो नॉलेज ना होने से लोग भी कई वो बातें सुन के वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो घोड़ी को घोड़ी नहीं समझते जिसके माँ बाप का पता नहीं है, है ना जी, तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। और ये आपके पास बहुत काफी सारे यहाँ पर घोड़े हैं जिनका इंटरव्यू हम कल लेंगे। हाँ नहीं, पक्का रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको उनका इंटरव्यू चाहिए। नहीं नहीं पक्का करेंगे, पक्का भाई। और जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि भाई आप टाइम निकाल के कहीं पे भी मार्केट लगती है, आप कौन सी भी स्टेट से हैं, तो आप अपने बच्चों को लेके जाइए घुमाने के लिए, आप खुद घूमने के लिए आइए, फैमिली के लिए के साथ आइए। कारण क्या है कि ये कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमारा पुराना कल्चर है ना, तो उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, हमें पता चलता है कि बच्चों को ये पता चलता है कि घर पे आने से, जैसे आपने पहले खाने की बात की थी कि हर आदमी खाना पूछता है, तो वो अपने बच्चे भी सीखें कि घर पे कोई गेस्ट आए तो भी वो उनका वेलकम क्या करना है। वो चीजें यहाँ पे आके बहुत कुछ चीज पता चलता है, सीखने को मिलता है। तो आप सिर्फ बच्चों को घर पे बांध के मत रखिए, बच्चों को भी घुमाइए आप जी यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले और ये जो पावन अवसर है इसका आपको बहुत फायदा मिले। थैंक यू जी। थैंक यू भाई। थैंक यू।